अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको मैथमेटिकल मेथड्स के चैप्टर 3 के एक और लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन 6 है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज दिस, देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एंड देन ऑल्सो शो दैट ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स में हमने इस गिवन मैट्रिक्स से, यानी सबसे पहले देखें, हमने ए स्क्वायर फाइंड करना है और फिर इसको इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने ए क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास ए स्क्वायर और ए क्यूब होना चाहिए। तो ए ऑलरेडी हमारे पास है, आई मैट्रिक्स पे हमें पता है 3x3 में, तो हमें ए और ए स्क्वायर फाइंड करना है टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखिए, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 2 1 2 1 2 एंड 2 2 1। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि बुक में यहाँ पे माइनस 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, तो वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे माइनस 2 होना चाहिए, तो माइनस 2 के अकॉर्डिंग ये होगा, तो इसको आप करेक्ट कर लें। तो ए स्क्वायर क्या होगा जी, द मैट्रिक्स ए विद मल्टीप्लाइड बाय 1 2 1 2 1 2 एंड 2 2 1। तो हमने इस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या होगा जी, मल्टीप्लाई करें, सो 1 टाइम्स 1 इज 1, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम 1 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस 1 टाइम्स 2 इज 2, सिमिलरली 1 टाइम्स 2 2 प्लस 2 टाइम्स 1 2 प्लस 1 टाइम्स 2 2, थर्ड कॉलम के साथ 1 टाइम्स 1 इज 1 प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस 1 टाइम्स 1 इज 1, सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 टाइम्स 1 इज 2 प्लस 1 टाइम्स 2 इज 2 प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस 1 टाइम्स 1 इज 1 प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4 ओके 2 टाइम्स 1 इज 2 प्लस 1 टाइम्स 2 इज 2 प्लस 2 टाइम्स 1 इज 2 और थर्ड रो के साथ 2 टाइम्स 1 इज 2 प्लस 2 टाइम्स 2 इज 4 प्लस 1 टाइम्स 2 इज 2 2 टाइम्स 2 4 प्लस 2 टाइम्स 1 2 1 टाइम्स 2 इज 2 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 7 6 6 8 9 6 8 8 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। अब हम ए क्यूब फाइंड कर लेते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। तो अब हमने इस मैट्रिक्स को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 7 6 6 8 9 6 8 8 7, सो मल्टीप्लाइड बाय 1 2 1 2 1 2 एंड 2 2 1। जब इनको मल्टीप्लाई करें क्या होगा जी, 7 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स 2 प्लस 6 टाइम्स 2 7 टाइम्स 2 प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम्स 2 7 टाइम्स 1
प्लस सिक्स टाइम्स टू प्लस सिक्स टाइम्स वन एट टाइम्स वन नाइन टाइम्स टू सिक्स टाइम्स टू एट टाइम्स टू प्लस नाइन टाइम्स वन प्लस सिक्स टाइम्स टू एट टाइम्स वन प्लस नाइन टाइम्स टू प्लस सिक्स टाइम्स वन एट टाइम्स वन प्लस एट टाइम्स टू प्लस सेवन टाइम्स टू एट टाइम्स टू एट टाइम्स वन सेवन टाइम्स टू एट टाइम्स वन एट टाइम्स टू इन सेवन टाइम्स वन। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, सेवन प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व तो ये जाएगा थर्टी वन, फोर्टीन प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व थर्टी टू, सेवन प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स ट्वेंटी फाइव, एट प्लस एटीन प्लस ट्वेल्व थर्टी एट, सिक्सटीन प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व थर्टी सेवन, एट प्लस एटीन प्लस सिक्स थर्टी टू, एट प्लस सिक्सटीन प्लस फोर्टीन थर्टी एट, सिक्सटीन प्लस एट प्लस फोर्टीन थर्टी एट, एट प्लस सिक्सटीन प्लस सेवन थर्टी वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक क्यूब मैट्रिक्स। अब आप इन मैट्रिसेस को नोट डाउन कर लें, ये ए स्क्वायर है और ये ए क्यूब है। अब हम इनको यूज करते हुए इन दोनों इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। ओके, अब हम आते हैं, ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं जी, ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई टू। ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था सेवन सिक्स सिक्स एट नाइन सिक्स एट एट सेवन माइनस फोर टाइम्स ए, और ए मैट्रिक्स क्या जी, वन टू वन टू वन टू 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 वन माइनस फाइव टाइम्स आई, आई मैट्रिक्स क्या जी, वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या होगा, सेवन सिक्स सिक्स एट नाइन सिक्स एट एट सेवन माइनस, और फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, फोर एट फोर एट फोर एट 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 फोर माइनस फाइव को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा फाइव जीरो 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 फाइव जीरो 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 फाइव। अब माइनस कर लेंगे इन्हों को, तो सेवन माइनस फोर माइनस फाइव कितना हो जाएगा, सेवन माइनस फोर इज थ्री, थ्री माइनस फाइव इज माइनस माइनस टू हो जाएगा, सिक्स माइनस एट माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू हो गया, सिक्स माइनस फोर टू, टू माइनस जीरो इज टू, एट माइनस एट जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, नाइन माइनस फोर फाइव, फाइव माइनस फाइव इज जीरो, सिक्स माइनस एट माइनस जीरो इज माइनस टू, एट माइनस जीरो इज जीरो, एट माइनस जीरो इज जीरो, सेवन माइनस फोर इज थ्री, थ्री माइनस फाइव इज माइनस टू। सो प्रूव और शो। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब हमने प्रूफ करना है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस सेवन ए माइनस थ्री ए, इसको एवेल्यूएट करने और देखने की ये जीरो आना चाहिए। सो ए क्यूब मैट्रिक्स हमने जो फाइंड किया था वो था थर्टी वन थर्टी टू ट्वेंटी फाइव थर्टी एट थर्टी सेवन थर्टी टू थर्टी एट एंड थर्टी वन, तो ये था ए क्यूब।
माइनस थ्री टाइम्स ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर क्या था, 7 6 6 8 9 6 8 8 7 माइनस 7 टाइम्स ए, और ए क्या था, 1 2 1 2 1 2 2 2 1, और माइनस 3 टाइम्स आई, और आई मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो अब आपने ये सारा एवलुएट करना, तो क्या होगा जी, तो ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख लें, माइनस थ्री को अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, 21 18 18 24 27 18 24 24 21, माइनस, और यहाँ 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 7 14 7 14 7 14 14 14 एंड 7, और यहाँ माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब इन सारों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 31 माइनस 21 माइनस 7 माइनस 3 कितना होगा, सो 31 माइनस 21 माइनस 7 माइनस 3, 32 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 0, 25 माइनस 18 माइनस 7 माइनस 0, 38 माइनस 24 माइनस 14 माइनस 0, 37 माइनus 27 माइनus 7 माइनus 3, and 32 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 0, 38 माइनस 24 माइनus 14 माइनus 0, 38 माइनस 24 माइनus 14 माइनus 0, 31 माइनस 21 माइनस 7 माइनस 3। अब ये किसके इक्वल आता है, 31 माइनस 21, तो 10 माइनस 10 ये भी जीरो आ गया, 32 माइनस 18 14 माइनस 14 ये जीरो आ गया, 25 माइनस 18 7 माइनस 7 जीरो आ गया, 38 माइनस 24 इज 14 माइनस 14 ये भी जीरो आ गया, 37 माइनस 27 10 माइनस 10 0 0 0 0 0, ये सारे जीरो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स शोन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज पीरियोडिक हैविंग अ पीरियड 2। तो हमने यहाँ पे ये शो करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था जब हमने मैट्रिसेस की टाइप्स को डिस्कस किया था कि कोई भी मैट्रिक्स पीरियोडिक तब होता है कि जब उसकी हम कोई एक स्पेसिफिक पावर लेते हैं और वो वापस वही मैट्रिक्स आता है, यानी रिपीट होता है। ओके, सो अ मैट्रिक्स इज पीरियोडिक, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज पीरियोडिक इफ ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम पावर लें और वापस वही मैट्रिक्स आए तो वो पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे के जो है ये कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या कहलाता है, पीरियड। सो दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखें जो स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर है के प्लस 1, वो पीरियड से के से एक ज्यादा है, सो द पावर ऑफ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स इज 1 मोर देन इट्स पीरियड। यहां पे अगर ए स्क्वायर हो तो इट मींस उसका जो पीरियड है वो 1 होगा। इस तरह एक क्यूब
एक इक्वल आता है तो उस मैट्रिक्स का जो पीरियड है वो क्या होगा, टू होगा। तो यहाँ पे हमने ये शो करना है कि इस मैट्रिक्स का पीरियड टू है, इट मींस यहाँ पे के क्या आना चाहिए, टू। इट मींस ए टू द पावर थ्री इज इक्वल टू ए, यानी इस मैट्रिक्स के लिए इसका क्यूब इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू ए, हमने ये शो करना है। सो हेयर पीरियड के ऑफ द मैट्रिक्स इज टू, सो वी हैव टू शो दैट ए टू द पावर के प्लस वन, सो ए टू द पावर टू प्लस वन, ए क्यूब इज इक्वल टू ए। ओके, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, यानी इस मैट्रिक्स के लिए हमने शो करना है कि इसका क्यूब लेने से वापस ये मैट्रिक्स आता है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर ले लेते हैं और फिर इसको स्क्वायर को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या होगा, सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, द सेम मैट्रिक्स वन नेगेटिव टू नेगेटिव सिक्स माइनस थ्री टू नाइन एंड टू जीरो माइनस थ्री। अब इन मैट्रिक्स को हमने करना है मल्टीप्लाई, सो अगेन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सो वन टाइम्स वन इज वन, माइनस टू टाइम्स माइनस थ्री इज सिक्स, माइनस सिक्स टाइम्स टू इज माइनस ट्वेल्व। इस तरह फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वन टाइम्स माइनस टू इज माइनस टू, माइनस टू टाइम्स टू इज माइनस फोर, एंड माइनस सिक्स टाइम्स जीरो इज जीरो। एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वन टाइम्स माइनस सिक्स इज माइनस सिक्स, माइनस टू टाइम्स नाइन इज माइनस एटीन, एंड माइनस सिक्स टाइम्स माइनस थ्री इज प्लस एटीन। अब इस तरह सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, माइनस थ्री टाइम्स वन इज माइनस थ्री, टू टाइम्स माइनस थ्री इज माइनस सिक्स, एंड नाइन टाइम्स टू इज प्लस एटीन। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस थ्री टाइम्स माइनस टू इज सिक्स, टू टाइम्स टू इज फोर, इन नाइन टाइम्स जीरो इज जीरो। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस थ्री टाइम्स माइनस सिक्स इज एटीन, टू टाइम्स नाइन इज एटीन, इन नाइन टाइम्स माइनस थ्री इज माइनस ट्वेंटी सेवन। नाउ थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, टू टाइम्स वन इज टू, जीरो टाइम्स नेगेटिव थ्री इज जीरो, एंड माइनस थ्री टाइम्स टू इज माइनस सिक्स, टू टाइम्स माइनस टू इज माइनस फोर, जीरो टाइम्स टू इज जीरो, एंड माइनस थ्री टाइम्स जीरो इज जीरो, टू टाइम्स माइनस सिक्स इज माइनस ट्वेल्व, जीरो टाइम्स नाइन इज जीरो, एंड माइनस थ्री टाइम्स माइनस थ्री इज प्लस नाइन। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स वन प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, एंड माइनस सिक्स माइनस एटीन प्लस एटीन तो माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस एटीन तो माइनस नाइन प्लस एटीन, तो ये हो जाएगा नाइन, ये हो जाएगा टेन, 18 प्लस 18 36 माइनस 27 9, 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 4 एंड माइनस 3, तो ये हमारे पास आ गया जी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब हमने इस मैट्रिक्स का क्यूब फाइंड करना है, तो क्यूब विल बी इक्वल टू, सो ए क्यूब विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ए। ओके, सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, माइनस फाइव
माइनस सिक्स माइनस सिक्स, नाइन टेन नाइन, माइनस फोर माइनस फोर माइनस थ्री, इंटू ए ए मैट्रिक्स वन, नेगेटिव टू नेगेटिव सिक्स, माइनस थ्री टू नाइन एंड टू ज़ीरो नेगेटिव थ्री। अब हमने इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और देखने के वापस हमारे पास ए आता है कि नहीं। ओके जी, तो ए क्यूब किसकी इक्वल हो जाएगा? सो ए क्यूब इक्वल टू, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फाइव इंटू वन विच इज माइनस फाइव, माइनस सिक्स इंटू माइनस थ्री प्लस एटीन, माइनस सिक्स इंटू टू माइनस ट्वेल्व, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस फाइव इंटू माइनस टू इज टेन, माइनस सिक्स इंटू टू इज माइनस ट्वेल्व एंड माइनस सिक्स इंटू जीरो इज जीरो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स थर्टी, माइनस सिक्स इंटू नाइन माइनस फिफ्टी फोर, माइनस सिक्स इंटू माइनस थ्री प्लस एटीन, अब इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम नाइन इंटू वन नाइन, टेन टाइम्स माइनस थ्री इज माइनस थर्टी, नाइन टाइम्स टू इज एटीन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम्स नाइन टाइम्स माइनस टू इज माइनस एटीन, टेन टाइम्स टू इज ट्वेंटी, नाइन टाइम्स जीरो इज जीरो, नाइन टाइम्स माइनस सिक्स माइनस फिफ्टी फोर, टेन टाइम्स नाइन इज नाइन्टी एंड नाइन टाइम्स माइनस थ्री इज माइनस ट्वेंटी सेवन। नाउ थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर, माइनस फोर इंटू माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व, माइनस थ्री इंटू टू विच इज माइनस सिक्स, माइनस फोर इंटू माइनस टू एट, माइनस फोर इंटू टू माइनस एट, माइनस थ्री टाइम्स जीरो जीरो। नाउ दिस रो इंटू दिस कॉलम माइनस फोर इंटू माइनस सिक्स ट्वेंटी फोर, माइनस फोर इंटू नाइन माइनस थर्टी सिक्स एंड माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस नाइन। तो ये मल्टीप्लीकेशन होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो ये किसकी इक्वल आएगा? माइनस फाइव प्लस एटीन माइनस ट्वेल्व, ये क्या हो जाएगा? वन, टेन माइनस ट्वेल्व माइनस टू, थर्टी माइनस फिफ्टी फोर प्लस एटीन, तो फोर्टी एट माइनस फिफ्टी फोर तो माइनस सिक्स, नाइन माइनस थर्टी प्लस एटीन माइनस थ्री आ जाएगा, ये माइनस एटीन प्लस ट्वेंटी प्लस जीरो तो ये आ जाएगा टू, एंड माइनस फिफ्टी फोर प्लस नाइन्टी माइनस ट्वेंटी सेवन तो ये कितना हो जाएगा? माइनस फिफ्टी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन कितना होगा? माइनस एटी वन प्लस नाइन्टी विच इज नाइन, माइनस फोर प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स ये टू हो जाएगा, एट माइनस एट ये जीरो हो जाएगा, और ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस नाइन तो ये हो जाएगा माइनस थ्री। सो अगेन विच इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए। सो हियर ए क्यूब इज इक्वल टू ए, सो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए इज पीरियोडिक विथ पीरियड So because a to the power 2 plus 1 is equal to a. So a is a periodic matrix with a period of 2. तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ओके जी, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट दिस मैट्रिक्स इज निलपोटेंट, वट इज इट्स निलपोटेंसी इंडेक्स? तो इस गिवन मैट्रिक्स को हमने शो करना है कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है।
सो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? सो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए निलपोटेंट तब होता है कि जब उसकी कोई पावर पी जो है लें और वापस आपके पास जो उसका आंसर आता है वो जीरो मैट्रिक्स है। ये अगर किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की पावर लेने से अगर वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ओके, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। और पी यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, उसका निलपोटेंसी इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने शो करना है कि ये मैट्रिक्स भी निलपोटेंट है, यानी इसके हम पावर्स लेंगे लाइक ए स्क्वायर ए क्यूब। अब देखेंगे कहाँ कौन सी पावर पे ये जीरो आता है। तो जिस पावर पे ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तो वो पावर इसकी क्या कहलाएगी, निलपोटेंसी इंडेक्स। ओके, सो लेट्स कॉल दिस मैट्रिक्स ए। सो हियर आवर मैट्रिक्स ए इज 1-3-4-1-3-4 एंड 1-3-4। तो ये मैट्रिक्स ए है। तो सबसे पहले हम इसकी जो पावर कैलकुलेट करते हैं वो है ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ए स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, सो दिस मैट्रिक्स 1-3-4-1-3-4 मल्टीप्लाइड बाय अगेन द सेम मैट्रिक्स 1-3-4-1-3-4 and 1-3-4। अब इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई करें जी, फर्स्ट टू इनटू फर्स्ट कॉलम। सो 1 times 1 is 1, -3 times -1 is +3, -4 times 1 is -4। फर्स्ट रो अगेन सेकंड कॉलम, 1 times -3 is -3, -3 times 3 is -9, and -4 times -3 is +12। And first row into third column, 1 into -4 is -4, -3 into 4 is -12, and -4 times -4 is +16। अब इसी तरह second row into first column, so -1 into -1 -1, -3 into -1 is -3, 4 times 1 is 4, सेकेंड कॉलम के साथ -1 into -3 is +3, 3 times 3 is +9, एंड 4 times -3 is -12, -1 times -4 is 4, 3 times 4 is +12, एंड 4 times -4 is -16। सो 1 times 1 is 1, -3 times -1 is +3, -4 times 1 is -4, 1 times -3 is -3, -3 times 3 is -9, and -4 times -3 is +12, 1 times -4 is -4, -3 times 4 is -12, and -4 times -4 is +16। सिंप्लीफाई कर लें, सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1+3-4, तो क्या आ जाएगा 0, -3-9+12 0, -4-12+16 0, ये भी 0 0 0 0 0 0। सो इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने से ये जीरो आ गया, सो विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके, तो ए स्क्वायर जो है वो जीरो आ रहा है, इट मींस के ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी पावर लेने से ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, और इसका निलपोटेंसी इंडेक्स क्या होगा, तो लीस्ट पावर जो है 2, तो 2 इसका निलपोटेंसी इंडेक्स होगा। सो ए इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स with a nilpotency index of 2.
एंस शोन। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट दिस मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी। तो गिवन मैट्रिक्स को हमने शो करना है कि ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी तब होता है कि जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ओके सो इफ द स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का हमने जस्ट स्क्वायर करके देखना है, तो इनवोल्यूटरी के लिए इसको किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो हमने शो करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो अगेन हम इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज अवर मैट्रिक्स ए। सो अवर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 1 -1 4 -3 4 -3 3 -3 4। सो दिस इज अवर मैट्रिक्स ए। सो देन ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 मल्टीप्लाइड बाय द सेम मैट्रिक्स 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 and 4। मल्टीप्लाई करें जी इनको। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। तो 0 times 0 is 0, 1 times 4 is +4, -1 times 3 is -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, 0 times 1 is 0, 1 times -3 is -3 एंड -1 times -3 is +3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 times -1 is 0, 1 times 4 is +4 एंड -1 times 4 is -4। सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 4 times 0 is 0, -3 times 4 is -12 and 4 times 3 is +12. Second row, second column, 4 times 1 is 4, -3 times -3 is +9 and 4 times -3 is -12. Second row, third column, 4 times -1 is -4, -3 times 4 is -12 and 4 times 4 is 16. Third row into first column, 3 times 0 is 0, -3 times 4 is -12 and 4 times 3 is +12. 3 times 1 is 3, -3 times -3 is +9 and 4 times -3 is -12. 3 times -1 is -3, -3 times 4 is -12 and 4 times 4 is 16. Simplify करें। So a square is equal to 4 minus 3 is 1, 0 0 0 1 0 0 0 and 1। देखें तो मल्टीप्लाई करने से, स्क्वायर लेने से क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स का स्क्वायर किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। So this implies our matrix A is involutory. Shown. Dear students, तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।